नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने स्टूडियो में। आज के स्टूडियो में मैं आपसे बात करने वाला इंफोसिस के Q3 के नतीजों से पहले उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि कल देखा हमने TCS के नतीजे आते हुए दिखाई दिए। TCS के नतीजे मिले जुले देखने मिले, कहीं ना कहीं रेवेन्यू वहां पे अच्छी आई, बेटर देन एक्सपेक्टेड, लेकिन प्रॉफिट के टर्म में TCS ने निराश किया। इन्फोसिस के नतीजे किस तरीके के आ सकते हैं बाजार के हिसाब से अगर हम देखेंगे, तो इस चीजों पे हम बात करेंगे, सारे एस्टिमेट पे बात करेंगे कि किस किस तरीके के एस्टिमेट मार्केट जो है लगा के रखा है। यहाँ पे अगर हम सबसे पहले आज के प्राइस की बात करें तो ऑलमोस्ट 1470 के आसपास 1% की गिरावट के साथ स्टॉक बंद होता हुआ दिखाई दिया। 12 तारीख को नतीजे हैं, आफ्टर मार्केट आने की संभावना इसकी ज्यादा है, लेकिन हमारे पास अभी भी 2 दिन है और यहाँ पे स्टॉक में जो कहीं ना कहीं प्रेशर बना हुआ है वो साफ देखने को मिल रहा है, क्योंकि TCS के नतीजों के बाद आज पूरे दिन IT पैक्स जो थे वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग के शिकार होते हुए दिखाई दिए। हालांकि निचले लेवल से थोड़ी रिकवरी देखने को मिली, 1483 का दिन का हाई है ऑलमोस्ट और 1454 का दिन का इसका लो लगता हुआ दिखाई दिया। वॉल्यूम भी जबरदस्त होते हुए दिखाई दिए, लगभग 71,58,000 शेयरों के आसपास के। लेकिन अगर हम बात करें इसकी एक्सपेक्टेशन की, क्या एक्सपेक्टेशन है स्टॉक के कि इसमें किस तरीके के नतीजे आ सकते हैं, तो Q3 एस्टिमेट आपके सामने। एक्सिस सिक्योरिटी यहाँ पे क्या मान के चल रहा है, तो रेवेन्यू जो है एक्सिस सिक्योरिटी मान के चल रहा है 38,000 करोड़ साल दर साल। अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो 19.2% की बढ़त देखने मिल सकती है। एबिटा जो है 9,430 करोड़, 12.5% की बढ़त साल दर साल यहाँ देखने मिल सकती है। एबिटा मार्जिन जो है वो यहाँ पे लगभग 24.8% और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का नंबर जो है 6,640 करोड़, 14% से ज्यादा की बढ़त जो है साल दर साल देखने मिल सकती है। शेयर काउंट के हिसाब से अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो इनकी एस्टिमेट है 38,107 करोड़, 19.6% साल दर साल यहाँ बढ़ सकता है। एबिट मार्जिन जो है यहाँ पे मान के चल रहे हैं कहीं ना कहीं 22.4% की और प्रॉफिटेबिलिटी मान के चल रहे हैं 6,563 करोड़ की, 13% की साल दर साल बढ़त। यहाँ पे फिलिप कैपिटल की अगर हम बात कर रहे हैं तो फिलिप कैपिटल का मानना है 37,835 करोड़, 19% की बढ़त जो है वो आती हुई दिख सकती है रेवेन्यू में। एबिटा जो है ऑलमोस्ट 8,202 करोड़, 9.6% की बढ़त जो है यहाँ देखने को मिल सकती है। एबिट मार्जिन जो है 21.6% और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का आंकड़ा 6,657 करोड़ आना चाहिए, 14.5% की बढ़त। तो कहीं ना कहीं अगर आप ये चीज देख रहे हैं गौर से तो आपको देखने मिल रहा है कि 6550 से लेके 6650 ये वो नंबर है जहां पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का नंबर मार्केट मान के चल रहा है 38,000 करोड़ के आसपास का जो ओवरऑल नंबर है रेवेन्यू का मार्केट ये मान के चल रहा है। और मार्जिन के टर्म में अगर हम देख रहे हैं तो 21.6 से लेके 24.8% ये मार्जिन का नंबर मार्केट मान के चल रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट की एक्सपेक्टेशन ये है और अगर इससे बीट करके नंबर कोई भी आते हैं तो डेफिनेटली मार्केट उसको पसंद करता हुआ दिखाई देगा। यानी 38,000 करोड़ से ऊपर के रेवेन्यू के कोई भी नंबर हो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के नंबर 6650 से ऊपर के कोई भी नंबर हो उसको मार्केट पसंद करेगा, और 24.8 से ऊपर के एबिटा मार्जिन के कोई भी नंबर हो तो वो मार्केट डेफिनेटली पसंद करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन आज स्टॉक प्राइस की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो स्टॉक में आपको एक प्रेशर देखने मिला। कल के दिन यहाँ पे एक अच्छी तेजी मिली थी, TCS का स्टॉक भी तेजी के साथ बंद हुआ था, लगभग 2.5% कल तेजी थी, लेकिन आज यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लेवल आपके सामने देखने को मिल रहा है वो अपसाइड में है, 1520-1525 का लेवल। इस लेवल के जब तक ऊपर स्टॉक नहीं जाता तब तक आपको यहाँ पे समझ के चलना है कि इस स्टॉक में कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर जो है ऊपर की तरफ बना रहेगा। इस लेवल के निकलने के बाद ही हम बात करेंगे 1620-1640 के लेवल की, जो कि इसका प्रीवियस हाई है। और यहाँ पे डाउन साइड में अगर रिस्क देखें तो यहाँ पे जो परसों का लो था फ्राइडे के सेशन का, उसको बहुत इंपॉर्टेंट मान के चलना चाहिए, 1450 रुपए के आसपास का जो लो है। अगर इस लो के नीचे मार्केट निकलता है तो डेफिनेटली फिर आपको लगभग 1350-1360 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं, और ये एक फाइनल सपोर्ट होगा जहां तक मार्केट जा सकता है इसमें इंफोसिस का स्टॉक। लेकिन अगर ये लेवल टूटा तो फिर आपको यहाँ से और बड़ी गिरावट जो है नीचे की तरफ देखने मिल सकती है। हालांकि
अपसाइड और डाउनसाइड दोनों ही यहाँ पे ज्यादा बड़ी देखने नहीं मिलेगी ऐसा लगता है, लेकिन अब नतीजों के दम पे इंफोसिस किसी भी साइड का एक बड़ा अपमूव जो है नतीजों के बाद दे सकता है। और इंफोसिस के स्टॉक में हमेशा ये देखा जाता है कि एक डायरेक्शनल अपमूव या डाउन मूव जो है नतीजों के बाद उसमें आता है, और एक बड़ा अपमूव आता है बड़े परसेंटेज व्यू भी जो होते हैं, अगर 4 से 5% तक का भी जो मूवमेंट है पॉजिटिव या नेगेटिव साइड में वो देखने को मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं हम अगर देख रहे हैं जिसमें ट्रिपल टॉप जैसा पैटर्न जो है वो बना हुआ है, पिछले साल जब अप्रैल में नतीजे आए थे उसके बाद एक गैप डाउन हुआ था, उसके बाद से अभी तक पूरा साल निकल गया और आपको यहाँ पे एक भी ऊपर के तरफ के लेवल ब्रेकआउट के नहीं देखने मिले। लगभग 3 बार ये लेवल आए हैं, तीनों बार यहाँ से सेलिंग देखने को मिली है। लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो FIs ने भी जबरदस्त तरीके से IT स्टॉक्स पे सेलिंग की है, तो कहने के उसका भी प्रेशर जो है वो बना हुआ है, और FIs ने जो है IT स्टॉक्स में जबरदस्त तरीके से सेलिंग की पूरे 2022 के साल की अगर हम बात करें तो। और उनकी जो स्टेक भी थी इन स्टॉक्स में वो कहीं ना कहीं रिड्यूस होती हुई दिखाई दी, तो 70-72 हजार करोड़ रुपए के आसपास तक की जो सेलिंग FIs ने IT स्टॉक्स में की है, तो कहीं ना कहीं उसका एक प्रेशर डेफिनेटली बना है। नीचे अगर जाएगा स्टॉक तो और बड़ा सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि फिर बहुत से लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे और उस कंडीशन में इस स्टॉक में और भी डाउन मूव आ सकते हैं। लेकिन इन फ्यूचर अगर आपको भविष्य में इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक लेना है तो कोई भी डाउन मूव आती है, एक अच्छा बड़ा करेक्शन देखने मिलता है तो वहां पे आप इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। एक अच्छा लेवल अगर हम बात कर रहे हैं तो अगर ये स्टॉक लेवल तोड़ता है 1350 के आसपास का, स्टॉक 1200 1250 के रेंज में मिलता है तो डेफिनेटली एक अच्छा करेक्शन ऊपर से कहा जाएगा। 1900 के लेवल से अगर स्टॉक 1200 1250 तक आ जाता है किसी भी कारण से, कल ही आ जाएगा नतीजों के बाद आ जाएगा ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन इन फ्यूचर अभी 6 महीने में 2 महीने में कभी भी वो स्टॉक में अगर आता है तो एक अच्छा लेवल होगा जहां पे आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, और एक अच्छा रिटर्न जो है आपको लॉन्ग टर्म में स्टॉक बना के देगा। और हमेशा से ही इस स्टॉक ने लॉन्ग टर्म में अपने निवेशकों को अच्छा रिटर्न बना के दिया है, तो ऐसा इसमें कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, तो ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है पसंद आई होगी आपको, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।